जगह ये फेल है मेरे हिसाब से। नहीं देखिए वो फैसला जो है वो फरा करेंगे। अब आपने इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया था मुझे, मैंने कहा भाई हम बना ले शुरू कर दिया। ऐसे ना कि ये फैमिली वाला जो है ना काम स्टार्ट हो जाए। अच्छा क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बन रही है बोनलेस हांडी। ओके तो क्या क्या डाला है इसमें, कैसे डाला है? बनाती हो? बहुत कम से पास्ता बनाती हूँ। अच्छा तो ये इसका मतलब हमारे लिए बन रहा है सिर्फ? ये सिर्फ आप लोगों के लिए बन। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो फिर इसमें क्या क्या डाला? इसमें सबसे पहले मैंने पेस्ट डाला, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन किया। फिर मैंने अनियन डाले, उन्हें ब्राउन किया। फिर मैंने थोड़े से ये टोमेटोज डाले, थोड़े से मतलब जितने भी नमक मिर्च हल्दी ये थोड़े से डाला उन्हें करके। उसके बाद मैंने चिकन डाला जब थोड़ा सा मसाला हो गया, ठीक है। उसके बाद चिकन को अच्छी तरह से भून के फिर थोड़ा सा पानी डाला। अच्छा हस्बैंड कैसा चाहिए? जिसकी कुकिंग अच्छी हो। सुन लें, जिसकी कुकिंग अच्छी। मेरी शादी हो चुकी है जी, बहुत नहीं आप इतने रोल मॉडल हैं लोगों के लिए कि हस्बैंड की अब पहली जो टॉप प्रायोरिटी आ गई है कि उसे खाना देखे। ये तो एक हकीकत है कि दुनिया में जितने भी बड़े नामचीन शेफ हैं ज्यादातर इसमें शक नहीं है मर्द हजरात ही है। अभी तक बहुत सारी खवातीन इस शोबे में आई नहीं। अब आना शुरू, मतलब इनविटेशन की जरूरत है। आई क्यों नहीं थी? खवातीन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं आई थी, अब इसमें आना शुरू हो गई है। लेट्स सी के नेक्स्ट 5-6 साल तक मर्दों के पास ये अवार्ड एजाज बरकरार रहता है कि नहीं, क्योंकि मुकाबला तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा जी तो फिर पायलट हो क्यों? करीम टैक्सी का पायलट? नहीं तो कैसा पायलट होता है? वो कैप्टन होता है। अच्छा पायलट क्यों? पता नहीं, मैं ट्रेवल बहुत ज्यादा करती हूँ और मुझे पायलट ट्रेवल नहीं कराते, पायलट एयरलाइन ट्रेवल कराते। एयरलाइन ट्रेवल कराता है? हाँ एयरलाइन। नहीं मुझे ये होता है कि मैं ट्रेवल बहुत ज्यादा करती हूँ, पायलट ट्रेवल ट्रेवल कराता है। पैसा तो करवाते लेकिन आपकी एक फैंटेसी होती है ना, जब मैं उन्हें देखती हूँ उस यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट पर तो बड़े मतलब डिसेंट से बड़े अच्छे से लग रहे होते हैं। चलो जी पायलट फैंटेसी है। और बस अभी फिलहाल कुकिंग कर रही हूँ, शायद कुकिंग आती हो उसे, आई होप कि आती हो। ये बात मैं पहले से अपने घर वालों को बता चुकी। अगर कोई ऐसा बंदा मिला जिंदगी में जिसने कहा कि बहुत अच्छा है सब कुछ मगर सब छोड़ो घर में बैठो तो चलेगा? हाँ लेकिन फिर मैं अपना काम करूँगी। एक्टिंग करियर है बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने बहुत कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेकर अपने साथ चलना है या बस यही जीना मरना यही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई हूँ, जब तक मुझे लगेगा कि मेरी पर्सनल लाइफ को तंग नहीं कर रहा या मैं खुद मेंटली जो है वो टेंशन में नहीं हूँ तब तक करती रहूँगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा कि छोड़ दो, छोड़ देंगी? सोचेंगे क्या मतलब? सपोज अगर ऑब्वियसली अगर सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ आती है, सबसे पहले आपका घर आता है, मुझे लगेगा हाँ छोड़ दूंगी। इतनी कहानियां सुनाने की, सिंपली कहा हाँ यार अगर बंदा अच्छा होगा तो छोड़ दूंगी। क्या छोड़ने में क्या मसला है ना? ये खातून कितनी गिविंग होती है, इट्स द ज्यादा अली आपके ख्याल में औरत का सैक्रिफाइस मैटर करता है या मर्द का? एक अच्छे रिलेशनशिप में दोनों को। मैं योगा करता हूँ। अच्छा। और अगर योगी वजाहत ये देख रहे हैं तो वो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई है कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कम आसान लफ्ज इस्तेमाल करें, मुश्किल नहीं। उसी तरह रिश्तेदारी में ये सैक्रिफाइस का वर्ड मुझे पसंद नहीं है। ओके, फिर से कैसे और किसी को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। अगर कोई इतना खूबसूरत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना है तो वो जिस हद तक मैं जाता हूँ वो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। कि अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा आप पसे पुश डाल दें थोड़ी देर के लिए वो भी के उसे मारे नहीं जी, थोड़ी देर के लिए उसे बैक बर्नर पे डाल दें। यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज सामने ले आए, ठीक है। लेकिन वो भी एक रिलेशनशिप एक शादी का अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही, हालत कीमा तो तैयार है, ये भी रेडी है। जब तक हमारी गुफ्तगू चल रही है इसे भूनने दें और मैं प्यार डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वेरी गुड। कितने चूजे कितने क्रिटिकल हैं आप खाने के मामले में? कभी खाने पे भी लड़ाई हुई है घर में? बहुत ज्यादा। बेगम ये क्या बनाया तुमने? बहुत ज्यादा। अच्छा और इसलिए रोज सुबह सुबह मैं जानना चाहता हूँ कि आज भाई क्या है, क्या बनने वाला है। और मैं सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे भी, आई थिंक हर मर्द को खाने से शौक है, खाने का शौक है। हाँ। और खास तौर पे घर का खाना अगर लजीज और उसकी पसंद का ना हो तो एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट तो हो ही जाती है। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, ब्रेक लेनी है, मैंने जल्दी से पूछो। अच्छा मर्द हजरात को वैसे तो खाना पकाने का बहुत शौक होता है, मेरे फादर है वो अक्सर संडे को बनाते हैं। खाना पकाने के बाद जो किचन की एक हालत होती है वो भी आप
ठीक करते हैं या फिर वो बस वैसी होती है? मैं एक ओसीडी बंदा हूँ. अगर मेरे जूते भी इधर से उधर हो गए तो मैं देख के ही चोर खा जाता हूँ. तो मैं कोशिश करता हूँ टू लीड बाय एग्जांपल, इसलिए पकाते जाता हूँ और साथ धोते जाता हूँ ताकि जब मैं किचन से निकलूँ. ये अम्मी ने ट्रेनिंग दी थी, अस्सलाम वालेकुम अगर आप देख रहे हैं, कि हमेशा अपना मेस खुद साफ करो. ठीक है, इसलिए बच्चों को भी इजाजत नहीं है कि वो खाना खाएं चले जाए ओ प्लेट, तो प्लेट उठा के बाकायदा जाके सिंक के पास. ये नहीं कि जो पानी पिला है मैं वो टांगे तोड़ दूंगा. भाई क्यों, तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगी है, खुद जाके पानी पियो. वेरी गुड, टांगे तोड़ दूंगा इज द अंदर के अंदर वॉयलेंस भी है, लेकिन हम बात करेंगे ब्रेक के बाद. शामदीद, आज देख लें हम डॉन टू के हाथ से कीमा बनवा के, भुना हुआ कीमा बनवा के खा रहे हैं, और आपको भी बता रहे हैं कि क्या जबरदस्त इन्होंने रेसिपी बनाई है. और ब्रेक से पहले या ब्रेक में कह रही थी चले हो गया अब इसको जल्दी से डिश आउट करें. मैं कह रही हूँ हो गया. मैंने कहा नहीं जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा सा और भून लेते हैं. लेकिन अगर आप जिद करी नहीं है फारा तो चले. मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. वहाँ पर उसमें ये इस डोंगा ही आपके पास पड़ा है, जबरदस्त, इसमें आप डालेंगे और हम इसमें डाल के लेके जाएंगे. अच्छा, वैसे होस्ट करना आसान रहा है अभी तक, या एक्ट करना, या फिल्म में काम करना? अगर कोई मेरे मुझसे पूछे तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो थिएटर में एक्ट करना, क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं तो साथ साथ रिहर्सल खूब करते हैं. तो एंड में जो आप ऑडियंसिस के सामने लाते हैं वो एक खालिस प्रोडक्ट है. साथ में फिल्म में काम करना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो पोस्टेरिटी के लिए बन रही है, 10 साल बाद उसकी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए. टेलीविजन अल्लाह का शुक्र है इज़ मोर कमर्शियल, लेकिन होस्टिंग में जो मज़ा आता है वो किसी चीज में नहीं आता, बिकॉज होस्टिंग में यू कैन बी योरसेल्फ और आप अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हैं बनिस्बत किसी कैरेक्टर की. अच्छा, तो होस्टिंग में जो आपकी पर्सनालिटी आती है वो एक अगेन बड़ी एक बहुत शुद्ध किस्म का आदमी ना, बट ड्रेसिंग हर चीज के बारे में है ना, परफेक्शनिस्ट है. जो आपने कहा ना, कोई भी चीज इधर से उधर हो तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते. कोशिश करते हैं जब लोग होना चाहिए. ऐसे लोगों की जिंदगी कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है. कम आसान, निपासत पसंद होते हैं. कम आसान मुश्किल लफ्ज़ ही. अली खान के लिए तालियां. अब मैं आ जाए हमारा कहाँ तक पहुँचिए. देखिए मैंने आपके बाद स्टार्ट किया था. अच्छा, आपने पहले स्टार्ट कर दिया था हमारा. नहीं उन्होंने पहले स्टार्ट किया था. अच्छा, देखिए ऑडियंस को भी पता नहीं है कि मैं कब आई और मैंने कब बनाया. नहीं, हम सबको पता है, कैमरा सब देख रहा है, खामोशी के साथ भले देख रहा है. चलो अभी तैयार हो गया हो तो आप तशरीफ ले आइए. मैं ये भी आपकी रेसिपी भी यहाँ पे रहती हूँ. पहले तो कैमरा हमारा देख सके ना कि दोनों में से दिखने के नंबर किसके ज्यादा है, क्योंकि भाई जो दिखता है वो बिकता है. चले ठीक है. तो अब मुझे बताइए, उस तरफ मुंह कीजिए सब लोग और देखें कि कौन सा खाना देखने में जरा टेम्पटिंग लग रहा है. मेरे वाला लग रहा है. कौन सा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है ऊंची आवाज में? नहीं, दोनों तो अच्छे लग ही रहे. देखिए मेरी बात करना चाह रहे हैं. देखिए ये ज्यादा खूबसूरत है तो खाना मेरा अच्छा लगना चाहिए. अच्छा, चलें. द प्रूफ इज इन द ईटिंग एज दे से, तो ये तो आप ही हमें बताएंगे. ये आप भी चखेंगे खुद भी. इसके साथ अगर एक फ्राई अंडा हो जाता तो क्या बात. क्या बात है, वाह वाह वाह. यानी आप देख लें किसी भी चीज पे आप मुतमिन हो, चम्मच मुझे और दें ताकि हम उनको चख सकें कि क्या क्या चीजें कैसी हैं. चलो हमारा चख के उनके कमेंट करो उनकी कीमे पे. ओके, इसमें तो नमक ही नहीं है. और आप कमेंट करें इनकी कढ़ाई पे भी, और फिर अपने कीमे की जरा तारीफ करनी है आपने. अपना कीमा सेल करना है और उनके ऊपर कमेंट करना है. अच्छा जी, इनका सेल नहीं करना तो पहले इनकी चिकन टेस्ट कर लेते. ठीक है, ऑनेस्ट कमेंट पहले मैं करूं. कीमा बहुत मजे का है, बट इसके साथ अगर वो पराठा होता. पराठा छोड़ दो ना, अभी कीमे की बात करो. कीमा बहुत मजे का है, बट ये है कि मैं थोड़े से स्पाइसेस जो होते हैं मेरे हमेशा ज्यादा होते हैं, तो बस मुझे वो थोड़ा सा स्पाइसी कम लग रहा है, बाकी बहुत मजे का. ठीक है, चिकन इनका बहुत अच्छा है. मैं कढ़ाई तो नहीं कहूँगा लेकिन
फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, माइल्ड है, और चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गली है, तो हमारा की क्या बात है। लाजवाब कीमा। सुबह का वक्त है, इतने सारे मसाले डालेंगे पूरे दिन खट्टी डकारे निकलेंगी। सुबह सुबह ये ना इंसाफी ना कीजिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बना है, बाकी का लाइक दिस इज द प्रूफ इज इन द ईटिंग, आप बताएंगे। हाँ, मैं भी चेक कर लूं भाई, इंतहाई लजीज कीमा बना है वाकई। हाँ, इतने मुख्तसर वक्त में जितनी महारत के साथ आपने उसे भुना, फ्रीज था कीमा, फ्रीज था, मुझे लग रहा था ये खुलेगा ही नहीं, और मैं मुसलसल नोट करी थी जैसे आपने उसे आराम आराम से धीरे धीरे चम्मच मार के खोला है। शोज के आप काम करते हैं, आपका भी अच्छा सेविंग सेट के आप बनाती नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं है आपका कुकिंग में, तो फिर बेहतर है खाने के काबिल। ये बताएं कि ये एवे आपने बना लिया, लेकिन या कोई कंपटीशन चल रहा था हमारे दरमियान कि कौन बेहतर बनाएगा? कंपटीशन था, तो कंपटीशन के लिए मतलब हमें नहीं तो आवाम को तो प्राइजेस दे, आप तो जीते हैं कंपटीशन, प्राइज आवाम को दें जी, क्यों नहीं जी। अच्छा बिल्कुल सही, इसलिए आप लोग चखना चाहते हैं क्या कीमा? चखना नहीं चाहते, जरूर चखेगा, चखना चाहते हैं आप लोग, चखें चिकन बिल्कुल प्लीज। ये चम्मच ले जाइए, दो लोगों को अलग अलग। कौन भूखा लग रहा है आप? अब चख के बताओ कैसा। माइक दे, माइक दे, माइक दे दीजिए जी, सही वाला बताओ। अगर बुरा है तो कह दे बुरा है, बहुत अच्छा है। ओए होए, सिर्फ इतना? बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। ये हुई ना, आप भी देख लो, ये लीजिए, मैं नया चम्मच लेके आई ताकि बाकी लोग जो है इसको आराम से चख सके जी। चखिए और फिर माइक में खुल के खाइए, क्योंकि लगता है कि आप अच्छा बनाती हो। ये देखा ना, लिपस्टिक लगाई हो खातून ने, तो खाना भी ठीक से नहीं खाती, ये ले। उनका डर लगता है मेरी लिपस्टिक ना खराब हो जाए। ठीक है, पास होता है जी, जबरदस्त, नहीं वाकई जबरदस्त ना, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अरे आपको मेरी बात का मुझे यकीन नहीं आया, क्या बात है, मतलब ये बिक गई है गोद में, देख ले, मैं कह रही हूँ ये बिक गई है गोद में। हाँ ना, वो उन्होंने मैंने पहले उन्हें कहा था सेल करना है, तो उन्होंने उसको सेल किया बाकायदा ले जाके हमारी ऑडियंस के साथ। वो इस वजह से है कि वो उनके सीरियल देखते होंगे और वो अच्छे लगते होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ यार ये बंदा एक्टर तो बहुत ही कमाल और आउटस्टैंडिंग है, खाना भी बना सकते हैं। हाँ। जो आपने आपका इरादा तो है कि बंद हो ना हो, आपने फूड आउटलेट तो खोलना ही है, जो आपने बताया। अच्छा अच्छा, अरे इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आना, व्हाट वाज द रीजन? इंडिया हमेशा लोग यहाँ से लोग बॉलीवुड जाना चाहते हैं, वो समझते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, आप तो वहाँ पे थे, तो फिर क्यों पाकिस्तान आने का सोचा? वैरायटी ऑफ रीजन, सबसे पहले तो 92 में मैंने काम शुरू किया, 2004 में इंडिया छोड़ा, तो वो 25-30 साल में बहुत काम कर लिया था, वहाँ की जो राइटिंग थी आई डिडंट थिंक दैट वाज एक्साइटिंग एनीमोर, स्क्रिप्ट्स नहीं पसंद आ रहे थे। जिस तरह यार मजलूम औरत पर शुरू हुआ, वहाँ पे सास बहू का चल रहा था उन दिनों, बहुत कर लिया था, तो मैं हमेशा इस इरादे से था कि क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट है और अंग्रेजी में काफ़ी तालीम हासिल की है, तो क्यों ना इंग्लैंड चले जाएं और वहाँ काम करने की कोशिश करें। साथ साथ एक इनसिक्योरिटी भी थी कि नई नई शादी है, वहाँ जाएंगे एक्टिंग का काम इतनी आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी कोशिश की नहीं थी, वहाँ के तौर तरीके आते नहीं थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि इंग्लैंड में किसी चैनल के लिए काम कर लेंगे, क्योंकि वो नौकरी तो आती थी, एमेट्री एंड फिल्म मेकर स्टडी इन इंग्लैंड, यूटीवी के लिए काम करता था। लेकिन इंग्लैंड पहुंचने के बाद इत्तेफाकन चीज़ ही ऐसे हुई कि चैनल में तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक एजेंट मिल गया जिन्होंने कहा कि अगर आप मुझे रखना चाहेंगे तो आई'ड लाइक टू रिप्रेजेंट यू, तो आई सेड रॉजर मैं तो किसी और से मिला नहीं हूँ। बहरहाल, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहली ऑडिशन हुई और अल्लाह के फजल व करम से वो काम मिल गया, तो फिर वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अब जहाँ इंडिया की बात आती है, टेलीविजन जो है वो एक जिस तरह हम यहाँ शॉर्ट स्पैन्स में काम करते हैं,
کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں 26 ایپیسوڈ یا جو بھی ہے وہاں پہ 26 ایپیسوڈ جیسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو وہ بلاک بکنگ لینا چاہتے ہیں 200 ایپیسوڈ کی 150 ایپیسوڈ کی اور کہتے ہیں کہ جی اگلے 13 مہینے ہمارے ہو گئے, 13 مہینے میں سے 20-22 دن ہمارے ہو گئے. تو اگر آپ کسی باہر ممالک میں رہتے ہیں 20-22 دن اگر آپ یہ کام کرتے تو یہ کام کرتے کرتے کوئی اور بھی لالچ دے دیتا ہے, گاجر دکھا دیتا ہے, تو پھر انسان پیسوں کی دوڑ میں اس قدر لگ جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ پھر وہ بھی پکڑنا ہے اور یہ بھی پکڑنا ہے اور وہ, تو پھر وہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے. اور میرے بچے جو ہیں انہوں نے 3-4 سال پہلے یہ کہا تھا جب میں نے یہاں, جب میں یہاں کام نہیں کر رہا تھا کہ ابا یہ کیسی زندگی, ہم اسکائپ پر رہتے ہیں, اور مجھے بڑا برا لگا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگلے کچھ سال سیکریفائس, جیسے میں نے کہا پسند نہیں کرتا, لیکن پرائیورٹی کو آپ وے کر لیں اور دیکھ لیں کہ زیادہ ضروری کیا ہے. رسک تو اللہ میاں دے ہی رہا ہے. اب اتنی بھی لالچ ہے, اگر آپ بھر پیٹ ریلیکس ہو رہے ہیں تو کام کام ہے, یہاں کرنا ہے وہاں کرنا ہے. دولت شہرت دینے والا تو وہ ہے جو آپ کی نصیب میں, وہ کبھی کوئی نہیں چھین سکتا. بالکل صحیح, اطمینان سے رہیں. میں سمجھ رہی تھی آپ کہیں گے, اور یہ بہت بڑا فیکٹر میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ شادی پاکستان میں کی اور تو پھر پاکستان آ کے سیٹل ہونا بھی تھوڑا سا بزنس پوائنٹ آف ویو یا ورک پوائنٹ آف ویو سے تو تھا ہی, میں حالا پرسنل ریزنز بھی شاید ہی رہی ہوں. میرے جو ان لاز ہیں وہ اب تھوڑے سے ضعیف ہونے لگے ہیں, تو میں نے چاندنی سے یہ کہا کہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس قریب رہو, اور انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے میڈیکلی یا کام میں, تو وہ بھی ایک فیکٹر تھا. ٹھیک ہے, آپ نا ساری خواتین کو رشک میں مسلسل مبتلا کر جا رہے ہیں. وہ کون سا داماد ہے جو کہتا ہے ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں اب تھوڑا سا ان کے پاس رہو, کہتے ہیں یار مطلب ان کا بیٹا نہیں ہے ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے. ہاں لیکن جو پڑھا لکھا داماد ہوگا وہ ایسے ہی سوچے گا. اچھا, کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے. اوکے, تو داماد کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, انسان ہونا ضروری, انسان ہونا ضروری, دیٹس دی پوائنٹ. انسان پاکستانی فلم میں ابھی تک نہیں ہمیں نظر آئے, مزہ نہ پسند نہیں آئی. 2-3 چھوٹی فلموں میں شروع میں کام کیا تھا ایز اے گیسٹ, ماہی میر آئی تھی اس میں چھوٹا سا رول نبھایا تھا, پھر نبیل کی ایکٹر ان لا کی تھی, لیکن یہ چھوٹے پارٹس کرنے کے بعد اب حال ہی میں جو آفر ہوا تھا وہ یہ ایف اوس والی فلم تھی پرواز حسیب حسن کی, لیکن اس میں پارٹ صحیح نہیں تھا. تو وہی نا فرم, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہ اسٹار بننے کا شوق ہے نہ کسی کو کچھ ثابت کرنے کا شوق ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکیور ہوں, باہر کا بھی کام مل جاتا ہے بیکاز آئی ہیو ریپرزنٹیشن, اور پیشنٹ انسان ہوں میں, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا بڑا پسند کرتا ہوں. جب ایکٹیولی کام نہیں کر رہا تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ لگا پڑتا ہوں, انہیں باہر لے جانا, ان سے اسپورٹس کرانا, ٹریول کرانا, تو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. آپ کو فلمز کی آفر ہی تو کرو گی ہمارا؟ مجھے ابھی ایک ہوئی تھی اور وہ میں اس وجہ سے نہیں کر پائی کیونکہ میری اور کمٹمنٹس تھیں, سیریل چل رہے تھے اور جنوری تک بالکل ٹائم نہیں ہے, تو اس وجہ سے دکھ بھی ہوا. یار ٹائم کیسے نکالا پھر آج صبح یہاں کیسے آئے؟ یہاں پر میں آئی تھی اپنی فیملی سے ملنے کے لیے. فلم میں تو بڑا ڈانس ڈانس. اچھا, خاتون کو فلم میں انتہائی گلیمرس ہونا کیوں ضروری ہے اور ڈراموں میں رونا کیوں ضروری ہے, ایک مظلوم عورت ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک لمبی ڈسکشن ہے, ابھی شروع کریں یا بریک کے بعد؟ وہ آپ سوچ لیں. بریک کے بعد نہیں, ابھی بتائیں, ابھی بتائیں اس میں قصور کس کا ہے, دیکھنے والوں کا قصور ہے کہ بنانے والوں کا قصور ہے؟ ان شارٹ ایک لفظ میں آپ بتا دیں پھر ہمارا. دیکھنے والوں کا میں نے کہا نا کہ آڈینس ابھی بھی 1970 کا قصور ہے. اچھا, اور آپ کے آڈینس کا, کیونکہ انہیں مطلب ہمیشہ ایسا کریکٹر اٹریکٹ کرتا ہے جس پر وہ سمپتھی آ سکے, اور جو رو رہا ہو کہ یار یہ کیوں رو رہا ہے, جیسے ایسا کریکٹر اٹریکٹ کرے جہاں انہیں لگے کہ ہماری زندگی تو اتنی بری نہیں ہے, اس بیچاری کا حال دیکھو. کیونکہ جہاں آپ تھوڑا سا نیگیٹو جاتے ہو وہاں پر وہ کیریکٹر کو چھوڑ کر پرسنل ہو جاتے ہیں. پھر وہ کیریکٹر نہیں رہتا. آپ کے ساتھ پرسنل ہوتے ہیں؟ آپ تو اتنے نیگیٹو کیریکٹر کرتے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر میں کھڑا ہوں, کمرشل کرنے جا رہا ہوں, تو پوری یونٹ کراچی سے نکلی اور میں واحد کسی اور فلائٹ سے لینڈ پہنچا ہوں. ایئرپورٹ کے باہر میں چلا گیا, یونٹ اندر ہے, سارے بیگز کیمرہ ایکوپمنٹ یہ وہ سب نکال کے میں نے کہا کہ یار میں تھوڑی سی ہوا کھا لیتا ہوں, باہر چلا گیا. ان دنوں ایک میرا کافی خوفناک پلے چل رہا تھا, تو قریبی ایک عورت برقعے میں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, وہ جالی اور پورا ابایا, ساتھ میں ایک اور خاتون منہ کھلا, اور ساتھ میں ایک پٹھان بندے بڑے داڑھی میں. تو یہ تین لوگ یہاں پہ کھڑے تھے اور میں اس طرح تھا چشمے میں لگا کے ہیرو بن کے ہوا کھا. تو ایسے پہلے تو میری طرف گھورا نا, تو میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا یار اب پا دو نا کٹ لو علی خان, تو میں آپ کو دیکھا ہے جی. اچھا بات سنیں, ادھر آئے. ایسے نہیں جی, میں اچھا بات سنیں, آپ اتنے
تو پھر وہ میاں نے آ کے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا, تو میں بھی ایسے کھڑا ہوں کہ اللہ میاں جلدی سے بھیجیں یونٹ کو تو ہم نکلے یار. بات سنے اور یہ آئی مجھے مارنے, میں نے کہا نہیں نہیں جی نہیں نہیں, بڈھی عورت آپ کو مارنے آیا کیا؟ یعنی وہ واقعی برا, اگر نیگیٹو کیریکٹر ہو تو لوگ اس کو اس پہ نفرت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہمارے لوگوں میں اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں, برائی سے نفرت کرنے کا ایک جذبہ تو ہے نا ہمارا, لیکن کیریکٹر سے نفرت کریں. آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ بیچارہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکٹر ہے, وہ کہیں پہ پازیٹو پلے کر رہا ہے کہیں پہ نیگیٹو کر رہا ہے. ہاں وہ پیسے لے رہا ہے ایکٹنگ کے, پرفارمنس کے, وہ اپنا سکل جو ہے وہ کر رہا ہے. زبردست کمپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا نا کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے نیگیٹو کیا اور اس طرح کا جذبہ ان کا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھا کام, آپ نے اچھا کام. بالکل صحیح. اچھا آئیے گا ذرا ان بورڈز کی طرف, کافی دیر سے ہمارے ویور ان کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہمارا لیڈیز فرسٹ, ٹھیک ہے؟ سو سب سے پہلے ہمارا سے میں پوچھوں, آپ پہلے گیس کیجیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوگی ہمارا؟ بٹاتی ہوگی. آپ کو لگتا ہے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوگی ہمارا؟ لگتا ہے مجھے. بٹاتی ہو؟ مجھے نہیں لگتا. نہیں پہلے اتنا نہیں کرتی تھی, بٹ یہ ہوتا تھا کہ اماں کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ تو آبویسلی ہوتا ہے. جب سے خاص طور پر سیپریٹ رہتی ہوں کراچی میں کام کے لیے, تو اے ٹو زی اپنا کام کر کے عادت ہو گئی, اور احساس سب سے بڑی بات احساس ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹریس نہ بنے مطلب ماسی کے بھی پیسے نہیں بچتے, خود کرنا پڑتا. اسکول لائف میں چیٹنگ کرنا کبھی بوٹی نہیں, یونیورسٹی میں ایک بار کی ہے, وہ میرے ٹیچر نے مجھے کروائی تھی. واٹ, ٹیچر نے چیٹنگ؟ ہمارا یہ سین ہوتا تھا کہ ہماری کلاس کے چونکہ بہت کم اسٹوڈینٹس تھے, تو ان بیچاروں کو اٹھا کے جی فرنٹ رو میں آ جائیں, یار ہم لوگ جا کر اندر دیکھ رہے ہیں آج تو پیچھے بیٹھیں گے آرام سے. نہیں جی سارے اٹھے فرنٹ پہ, ہم دیکھ رہے ہیں یار پھر فرنٹ پہ. اچھا ہمارے ساتھ اب یہ ہوا کہ ایک پیپر تھا جس میں کچھ ٹاپک ایسا تھا کہ ٹاپک تیار کچھ اور کیے تھے اور وہ آ گیا, اب میں بیٹھی ہوئی. اب میرا سب سے پہلے ہوتا ہے جلدی جلدی پیپر کے اور یوں باہر, کوئی دیکھا ہی نہیں پیچھے, فرنٹ پیچھے ٹانگ ماری ہے پین ماری ہے, بتا دو بتا دو. جتنی دیر میں بیٹھی ہوں یار دیکھ لو جو کرنا کر لو, ٹھیک ہے جلدی سے کر لیا. اس دن اب میں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ سر بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے, اور میں نے کہا بیٹا میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, ہر سیمسٹر میں تو آپ چلے جاتے ہو ابھی تک بیٹھے پیپر نہیں آتا. میں نے کہا آج ٹاپک کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا کیونکہ باقیوں کو آ رہا تھا, باقی لگے ہوئے باقی لگے, لیکن دو تین تھے جنہیں مطلب جو مین مین تھے انہیں نہیں تھا. اوکے وہ کہہ رہے اچھا بیٹا نہیں آتا اب بتاؤ کیا کرو گے. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی آج پہلی دفعہ سی بھی نہیں آئے گا سیدھا ایف آئے گا. انہوں نے کیسے جیتا؟ انہوں نے کہا پیپر پاس پڑا ہے, فون پاس پڑا ہے. میں کہا جی. کہتے اچھا تھوڑا سا گوگل کر لو زیادہ نہیں کرنا. اوکے اب وہ بھی میری اور ایک دم سے لائٹ چلی. اچھا میں فون میڈیا پہ کہہ رہی ہوں غلط قسم کی, ایک دفعہ چیٹنگ کی اور مانی ہے, اور اس میں بھی یہ ہوا کہ ابھی میں نے فون آن کیا لائٹ چلی گئی. ہاں اب یہ تو نہیں تم رکھ سکتی دل میں بات رکھنا. نہیں میں رکھتی ہوں, رکھتی ہوں لیکن ٹیچر کی چگلی کرتی ہیں. چگلی نہیں, وہ بہت اچھے ٹیچر تھے. اچھا بہت اچھے ٹیچر تھے جنہوں نے کہا کہ آپ چیٹ کر لیں. جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی چلتا ہے, کچھ نہیں. اچھے بچے ہوتے ہیں, سڑک کی دوسری طرف چل لے کچھ نہیں ہوتا, اگلے سگنل پر رستہ مل ہی جائے گا, پان کی پیپ تھوک لے کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی صاف کر ہی لے گا. وہ الگ چیز ہے. اب آپ بہت ہی الگ چیز, جو بھی یہ شو دیکھ رہا ہے پلیز یہ صرف آپ سب کو ایموشنل کریں اور کوئی چکر نہیں ہے, یقین مانیں. دل میں بات رکھنا. میں رکھتی ہوں. رکھتی ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی میچور ہو گئی. اوکے بالکل صحیح. گھر میں صرف اپنی بات منوانا. ہاں کسی کی نہیں ماننی. میرے گھر میں اگر کسی نے مجھ سے کوئی بات منوانی ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ چیز ایسے ہے, میں کہتی ہوں ایسے نہیں ایسے کرنی ہے, وہ پھر اس طرح سے کام کر کے اپنی بھی منوا لیتے اور میری بھی. اوکے ویری گڈ. ایسے بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. شاپنگ میں پیسے اڑانا شاپہولک ہو؟ بہت بہت ہر وقت مطلب. اب نہیں ہوتے تو ہو یا نہیں ہو پہلے بہت ہی ایکسٹرا نہیں اڑاتی, لیکن ہاں جو چیز چاہیے وہ چاہیے. باپ کے پیسے اڑانا آسان ہوتا ہے جب خود انسان کماتا ہے. احساس ہوتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, 100% آگے 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 جی آگے آگے. حق کی بات میں لڑنا 110% لڑاکو ہو اتنی کہ کسی کے پھڈے میں بھی ٹانگ اڑا دو. کسی کے پھڈے میں نہیں, اگر صحیح بات ہے تب میں کرتی ہوں, ادروائز میں نہیں. ادروائز میں. آئیے جناب یہاں پہ. ویسے سر یہ اگر فرض کیا یہ پہلے بورڈ آپ کے لیے بھی کر لیتے ہیں, بھلے لڑکی کا ہے, لڑکوں کے لیے بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں. بتائیے نا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ ضرور. آئے نا ٹک کریں گے آپ خود اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. ویری گڈ. ضرور. آپ نے اسکول لائف میں چیٹنگ کی ہے؟ بہت.
ये देखे ये चेक मगर टीचर ने तो हेल्प नहीं की यार, मैं खुद कह रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, चीटिंग की है। मतलब देखिए टीचर को तो मुझ पे तरस आया कि यार इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी लाइक बच्ची है। कर दीजिए ना टिक कर दीजिए। अच्छा दिल में बात रखने के शौकीन है? नहीं बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। नहीं मुंह फटे क्या? बिल्कुल। घर में सिर्फ अपनी बात मनवाने अड़ जाना भाई, जो मैं कह रहा हूँ माय वे और हाई वे। नहीं सही बात मनवानी, सही बात मेरी या किसी और की भी, लेकिन बात सही होनी चाहिए। अपनी बात मनवानी जरूरी नहीं है। नहीं आप टिक होगा, टिक करेंगे। ओके शॉपिंग में पैसे उड़ाना कभी नहीं। कब कंजूस है? कंजूस तो नहीं हूँ लेकिन समझदार हूँ। अच्छा बाकियों को उड़ाने देता हूँ, खुद थोड़ा सा परहेज कर लेता हूँ। अच्छा वेरी गुड। तो बीवी खुश रहती है जो बंदा गिफ्ट ना दे? बच्चे खुश रहते हैं जिनको आप? मैंने कहा कि खुद शॉपिंग में पैसे नहीं उड़ाता, मैंने ये तो नहीं कहा कि गिफ्ट नहीं देता, बहुत देता हूं। उनके ऊपर लगाते हैं। अच्छा मैंने शुरू में ही कहा कि शोहर का काम ही यही है कि बच्चों को फैमिली को हैप्पी रखे। बिल्कुल सही, वहाँ लगाते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा हाथ खींचते हैं। ओके हक की बात में लड़ना हमेशा, वेरी गुड, इसको भी टिक कर दीजिए। गुड, अब हम आएंगे दूसरे अपने बोर्ड की तरफ और इस बोर्ड पे जानेंगे पहले लेडीज फर्स्ट। चलो अच्छा चलो अब लड़का लड़की हमने खत्म कर दिया। फिटनेस का ख्याल रखती हो? जिम जाती हूँ। जिम जाती हूँ, वेरी गुड। अलार्म पे सबसे पहले उठती हो? मैं अलार्म से पहले उठ जाती हूँ। वेरी गुड यार, अब बच्चों को स्कूल ड्रॉप नहीं आप करती? करती। अभी शादी नहीं हुई, अगर हुए और आपकी जिम्मेदारी में आए कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है तो करोगी? बिल्कुल। ओके बिल्कुल, ये अभी कहने की बात है ना, अभी बड़ा नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, बट अब मैं करती हूँ। अब मैं करती हूँ। ओके जी, शॉपिंग पे बीवी के साथ जाना? बीवी नहीं है, शौहर के साथ जाना। शौहर को साथ लेके जाना? वो जब होगा तब तो ऑब्वियसली। ठीक है, दोस्तों में वक्त गुजारना? बहुत कम, बहुत कम। दोस्त है कराची में तो एक या दो हैं जिनसे कोई महीना। अली की ऑब्जर्वेशन कितनी सही है, अली ने शुरू में बात की थी, आपको लगता है इनके दोस्त होंगे? नहीं लाहौर में बहुत है, लाहौर में बहुत है, बहुत है, बेशुमार है। अच्छा आई आपकी बारी, और आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं? कोशिश करता हूँ, फिटनेस का तो ख्याल सबको रखना चाहिए। कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, क्या फिटनेस रेजीम है? 40 मिनट की दौड़, 40 मिनट की वेट ट्रेनिंग और फिर 1 घंटे की योगा। ये रोजाना है? एक घंटे में 3-4 बार? हफ्ते में 3-4 बार। ओके वेरी गुड। अलार्म पे सबसे पहले उठते हैं? उठ जाता हूँ लेकिन 2-3 स्नूज के बाद। हाँ तो इसके बाद सबसे पहले नहीं उठते, नहीं करें ना, बेगम उठती होंगी सबसे पहले। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना आपकी जिम्मेदारी है? है। आप खुद करते हैं? खुद करता हूँ रोज सुबह, रोजाना। अच्छा जी वेरी गुड। जब आप नहीं होते फिर क्या होता है? फिर बेगम को दोनों को छोड़ने पड़ती है। अच्छा सौदा सलफ की खरीदारी खुद करते हैं कि बेगम की जिम्मेदारी लगाई हुई है? बेगम की जिम्मेदारियाँ लगाई है लेकिन मैं खुद करना पसंद करता हूँ, अगर मौका मिले तो मैं जाता हूँ। ओके तो इसे क्या टिक करेंगे? यस सर। ओके शॉपिंग पे बीवी के साथ जाते हैं? उनकी जब शॉपिंग हो, कपड़े लेने हो, जूते लेने हो, जबरदस्ती लेकिन जाना पड़ता है तो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, पसंद नहीं करता लेकिन साथ जाता जरूर। अच्छा दोस्तों में वक्त गुजारना कितने? आप जरा पार्टी लवर है, जरा दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, बॉयज टाइम बहुत जरूरी है। अच्छा बहुत जरूरी है। तो कितना होता है? उतना नहीं जितना शायद पसंद करूं लेकिन हो तो जाता है, हो जाता है। तो दोस्तों में वक्त गुजारते हैं, बिल्कुल सही। गुड जनाब, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप मिल रहे हैं आज, शर्ट डिजाइन करनी है, मैसेज लिखना है, कुछ ड्रॉ नहीं करना उसको। अच्छा हाँ, कोई पैगाम जो आप देना चाहें हमारा, आप आ जाइए और आप भी आ जाइए यहाँ पे। मैसेज और चले कोई मैसेज, वैसे ज्यादा मैसेज आप क्या करते हैं? मतलब रूटीन के मैसेज होते हैं, मैं इतने बजे आ जाऊंगा, मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, मैं दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा खोल लिया टाइप के, या फिर वो वाकई सीरियस जो मैसेजिंग होती है उसमें भी होता है कुछ? आई थिंक मैसेजेस ज्यादा तब मैं लिखता हूँ, सीरियस मैसेजेस जब कोई ओकेजन हो, एनिवर्सरी या बर्थडे, तब एक कार्ड पे बाकायदा फीलिंग्स का इजहार करता हूँ, वरना तो आम तरह सालाना फीलिंग्स का इजहार करते हैं कम से कम दो बार एनुअली, दो बार, एक शादी पर एक बर्थडे पर। अच्छा फिर भी 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा आपका मतलब इजहार सुनने के लिए? तो रोजाना एक लव यू का मैसेज जो है भारी पड़ता है क्या, कि पैसे ज्यादा लगते हैं? वो तो रोजमर्रे के मैसेजेस हैं ना, आपने कहा खास मैसेजेस, रोजाना लव यू तो 10 बार कह देते, अभी कैमरा पर भी तो कह दिया। हाँ वो तो कह दिया, बिल्कुल सही। अच्छा चलो हमारा, तुम कितनी एक्सप्रेसिव हो भाई मैसेजेस को लेके, अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिन में कितनी बार आप याद करते हो? मेरी से वीकली बात होती है। वीकली बात होती है बेस्ट फ्रेंड से? बेस्ट फ्रेंड से। तो वो बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ यार? जब आप कराची आए मैं आपको एक जबरदस्त मोबाइल का पैकेज दिलवा देता हूँ। वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या हुआ जिससे आपकी हर घड़ी घड़ी बात नहीं होती? बट ये होता है ना कि टाइमिंग का इशू होता है, हम लोग जो है समझते हैं लोग के यार ये बहुत मजे की जिंदगी है, जाते हैं जल्दी से सीन के और आ जाते हैं, जबकि हम लोग हकीकत में बहुत मजदूर लोग हैं, सुबह जाते हैं और रात तक थ्रू आउट काम चल रहा होता है,
फिर अक्सर ये होता है कि आप घर आते हो, आप इतने थके हुए होते हो, समटाइम्स आप कॉल करते हो और दूसरा बंदा बिजी होता है, पढ़ रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है. ठीक है, तो इससे फिर टाइम नहीं, लेकिन फ्रेंडशिप बरकरार रहना भी एक बड़ा बात है. उसकी क्या वजह है कि फासले आ जाए तो फिर दोस्तियाँ, रिश्ते और ताल्लुक आ जाए, खत्म हो जाते हैं? नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब बहुत पुराने, मेरी कभी किसी से दोस्ती खत्म नहीं होती. ओके, ठीक है. सो मैसेज लिखना है प्यारा सा कोई, जो कि आप ये शर्ट हम आपको देंगे, आप ले जाकर उनको ये दे सकते हैं कि आपने ऑन एयर उनके लिए ये मैसेज जो है वो लिखा है. अच्छा, वैसे आपका प्यार का लफ्ज डार्लिंग है, डार्लिंग, जान. अच्छा, किस में एक्सप्रेस करना ज्यादा अच्छा लगता है, अपने लफ्जों में जान या डार्लिंग, बेब? मूड पे डिपेंड करता है. अच्छा, मगर ज्यादातर जान ही है. ज्यादातर जान. ओके, और आपको क्या मुखातिब किया जाए तो अच्छा लगता है लव लव नेम्स में? मियां साहब, सरकार. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं. मैं डर गई थी, मैं क्या इतना शोविनिज्म. आप हैं वैसे जो बिलीव इन कि मर्दों के अंदर कुछ अपनी वो क्या कहते हैं, होती है एक अना होती है जिसका मुजाहरा गाहे बगाहे करते रहते हैं? मुझे लगता है अगर आप मुझसे सच पूछना चाहती हैं तो सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि हर इंसान में एक अना होती है और सब उसे पसंद करते हैं. आप डर रही हैं कि कहीं ये पेंट खुल ना जाए और आपको हाँ, मैं देख रही हूँ कि ये आप बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन जो है उसका बना रहे हैं. एंड डार्लिंग के बाद मैं वो सोच रही हूँ कि मजीद इसमें क्या आने वाला होगा. एक ब्लीडिंग हार्ट है, ब्लीडिंग हार्ट इज नॉर्मली इज नॉट अ गुड साइन, दुख की अलामत थोड़ा समझा जाता है. ब्लीडिंग हार्ट. हाँ, ब्लीडिंग हार्ट सुना. अच्छा, माइटी हार्ट का भी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? वैसे अगर आपको दोबारा कोई प्रोजेक्ट जो है वो उसे चूज करना पड़े, विच वन यू विल चूज? विच वन विल आई चूज? यस, सीक्वल बन रहा हो और एक ही टाइम पे आपको ऑप्शन मिले कि डॉन टू का भी टाइम वही है, माइटी हार्ट का भी वही है, किसके लिए आप जाना पसंद करेंगे? माइटी हार्ट के लिए. बोल जा. राइटिंग, स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, काम वो ज्यादा अच्छा लगता है जो थोड़ा सा हटके हो. और ये बहुत सीजन एक्टर्स हॉलीवुड के जिनके साथ आपका काम. जी जी जी, और उस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सीखने को भी मिला. अच्छा, एंजेलिना जोली के साथ काफी वक्त गुजारा. और एक स्टार किस तरह बिहेव करती है, किस तरह अपने काम के साथ बेमानी नहीं करती, किस तरह प्रिपरेशन करती है, वो काफी सीखने को मिला. बिल्कुल सही. अभी डार्लिंग का आप हिंदी में लिख रहे हैं? डार्लिंग तो अंग्रेजी में लिख ही दिया है यार. हाँ, तो अब उसको आप प्यार में, डार्लिंग को हिंदी में क्या कहते हैं वैसे? प्यारी, आई डोंट नो, डार्लिंग को डार्लिंग ही कहते हैं. डार्लिंग को डार्लिंग ही कहते हैं. आप लिख के रहे हैं, मैं वो जानने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लिख रहे हैं. ये क्या है? चंदा. चंदा, ओके, डार्लिंग चंदा. डार्लिंग चंदा, और ये चंदा का ही तीर है जो के दिल के बाहर. वेरी, ये क्या हो रहा है? मतलब आपने कहा है कि ब्लीडिंग हार्ट अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा इसको अब मैं कैसे ठीक कर रहा हूं, तो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, ऐसे एक तीर भी दिल में से गुजर गया. अच्छा, वैसे ये एक ट्रेडिशनल जो इश्क का वो है, उस पे यकीन रखते जो हमने लिखा पढ़ा दास्ताने हैं, बिलीव इन दैट या नहीं? आप समझते हैं अमलियत पसंद होना चाहिए इंसान को? नहीं नहीं, प्यार प्यार है, ऑफ कोर्स आई बिलीव इन इट इन ऑल फैसेट्स ऑफ इट. ठीक है. अच्छा, आपके अंदर कभी ये डिजायर पैदा हुई है कि मुझे एक एक डांसिंग हीरो भी होना चाहिए था, एक हीरो टाइप भी होना चाहिए, या कैरेक्टर एक्टिंग और इस तरह की चीजों में? जिंदगी में तो हर एक अपने आप को हीरो समझता है और हर एक अपने आप को एक गायक समझता है. बाथरूम में सब गाते हैं और शीशे के सामने सब एक्ट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन वो कन्वेंशनल चॉकलेट बॉक्स हीरो मैंने अपने आप को कभी नहीं समझा. अच्छा, और शायद ऑडियंसेस ने भी दिल कभी कभार करता है अगर अच्छा गाना सुन लेता हूँ. क्या क्यूट, अमारा ने इतनी क्यूट सी ये शर्ट बनाई है. और अमारा, मैं चाहूंगी इधर आके खुद इसको बताओ कि क्या लिखा है इसमें. माई सपोर्ट सिस्टम. माई सपोर्ट सिस्टम, और दो बहुत प्यारी प्यारी से हार्ट जो है वो इसके ऊपर बनाए हैं. वेरी गुड. कितनी पुरानी दोस्ती है? अब तो याद भी नहीं, 7-8 साल. 7-8 साल से आपकी दोस्ती कायम है. और दोस्ती भी ऐसी है कि एक दफा किसी ने हमारी लड़ाई करवा दी थी. और मैं उसके पास गई, मैं कहा यार तुमने बात नहीं करनी मत करो, बट हम लोग बैठ कर, उसका नाम है कौला,
بٹ صاحب ہیں وہ ہمارے, تو وہ بس ناراض ہو جائیں تو ہو جاتے ہیں. میں کہا یار تمہیں بات نہیں کرنی مت کرو, ہم ایک دفعہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس کے بعد میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی. اس نے تو مطلب بٹ صاحب میں غصہ اتنا تھا, انہوں نے بات ہی نہیں کرنے کا, نہیں جی جو ہو گیا سو ہو گیا ختم کرو. ٹھیک ہے. تھوڑے ٹائم کے بعد میں نے آلموسٹ کوئی 4 منتھس کے بعد میرا برتھ ڈے تھا, اور اب میری ایک ہی وہ دوست تھی جو اتنی بیسٹ فرینڈ تھی, میں نے کہا یار اب میں پلان اس کے ساتھ کرتی ہوں, میں کس کے ساتھ جاؤں, بلاک کر دی ہر جگہ سے. اور میں دیکھ رہی ہوں تھوڑی دیکھا میں نے واٹس ایپ ویسے ہی چیک کیا تو جی ڈی پی شی پی نظر آ رہی ہے. میں کہا چلو یعنی اتنا لحاظ ہے. تھوڑی دیکھا میں نے میسج کیا, میں کہا ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک, آپ نے کیوں میسج کیا ہے؟ میں کہا یار وہ کل میرا برتھ ڈے ہے تو کیا سین ہے, سوری میں بزی ہوں. اچھا اب نیکسٹ ڈے میں ویٹ کرتی تھی, نہیں آئی. میں کہا اس نے کہاں آنا ہے پلان, میں چلی گئی ہوں اور اس نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا کیک وغیرہ ہر چیز, میں باہر گئی اور وہ میرے گھر آ گئی. سو دیٹس بیسٹ فرینڈ. خوبصورت شرٹس ہیں, لکھا ہوا ہے ڈارلنگ دین آئی لو یو کے بجائے انہوں نے دل میں تیر لگانا جو ہے اس کو سمبولیکلی استعمال کیا. چندا یور علی, ویری گڈ. ان اسپیلنگ سے میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہوں, ان اسپیلنگ پہ آ کے میں ہمیشہ رک جاتی ہوں کہ یار اس کا مطلب ہے ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ. اوکے اینڈ دے ہیئر مائی سپورٹ سسٹم. سو خوبصورت سی یہ دونوں لو اپنے کا اظہار, یہ ہم چاہیں گے آپ بھی ضرور کریں اگر ابھی ٹائم ہے, اور کوئی بھی لو ون ایسا ہے کچھ نہیں جاتا, کوئی ایک میسج. When in Rome, do as the Romans. اب آپ سسٹم بدل تو نہیں سکتے, تو اگر آپ کو اس سسٹم میں کام کرنا ہے تو جس طرح کام ہو رہا ہے اسی طرح آپ کو اسی گاڑی پر چڑھ کر سفر کرنا ہے. تو الحمدللہ ارادے سب کے بلند ہوتے ہیں, پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے سب اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر پروجیکٹ بنا پائے. کبھی کبھار تھوڑا بہت کمپرومائز کر لینا پڑتا ہے, لیکن اوور آل کام زبردست ہو رہا ہے, ونڈرفل جا رہا ہے سارا کچھ. اچھا ہمارا کیا آگے فیوچر پلانز ہیں جو ہم آگے آنے والے کچھ دنوں میں سالوں میں مہینوں میں دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی تو ساتھ ساتھ یہی چل رہا ہے, ایکٹنگ چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جو اپنا پرسنل ہے کہ ود ان اے ایئر میں اپنا کچھ نہ کچھ یہاں پر کام اسٹیبلش کروں گی, لائک ہاں فوڈ چین ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے میرا اپنا لاہور میں لائک ایکٹنگ سے پہلے میری ایک پی آر ایجنسی تھی اور میں تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھی, اور وہ بالکل میں نے ہر چیز چھوڑ دی, اور یہی وجہ تھی کہ میرے پیرنٹس تھوڑا سا خلاف تھے کہ چلو یار ابھی یہاں پہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہے اور اپنا بھی کر رہی ہے. ایون اس کے لیے مجھے بہت مشکل سے پرمیشن ملی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں پہلے کوالیفیکیشن. اب تھوڑا سا آتے ہیں خواتین کی انٹرسٹ کی باتوں پہ, کس چیز کے سلیکشن میں زیادہ دیر لگتی ہے, ڈریس کی یا جوتے کی؟ ڈریس کی. ڈریس کی. اچھا کس چیز پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے, بال بنانے پہ, میک اپ پہ؟ اب بال پہ. بال بنانے پہ. کون سی چیز زیادہ عام ہے, مسکارا یا لپسٹک؟ لپسٹک. لپسٹک. اچھا کیا چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ادھورا محسوس کرتی ہیں خود کو؟ فون. فون. فون نہ ہو تو یو فیل انکمپلیٹ. ویری گڈ. چاہے مجھے سارا دن کوئی کال کوئی میسج نہ آئے, میں سارا دن گیم کھیل رہی ہوتی ہوں بس. اچھا ارے آپ کے نزدیک کیا ہم جوتے جینس شرٹ کیا کیا کس کا چناؤ زیادہ آپ کو لگتا ہے مشکل؟ گھڑی کا. یو آر اے واچ مین؟ تو پہلے میں گھڑی سلیکٹ کروں گا, اس کے ساتھ دیکھوں گا کہ سلور ہے یا بلیک ہے یا براؤن ہے, پھر کلوتھس چوز کروں گا, پھر سن گلاسز چوز کروں گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا کتنے امپورٹنٹ ہیئر اسٹائل ہے ایک مرد کی زندگی میں؟ تین اسٹائل ہیں, پارٹیڈ ڈیپارٹیڈ ان پارٹیڈ, ڈیسائڈ کر لیں کون سے. لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے, گرومنگ امپورٹنٹ ہے, ہائیجین امپورٹنٹ ہے. اب مرد مرد ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, کوئی لوگ میک اپ پسند کرتے ہیں, کوئی اپنی گرومنگ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. میں ایک رف ٹف آؤٹ ڈور ٹائپ بندہ ہوں, اپنی عام زندگی میں شارٹس اور ٹی شرٹ اور پھٹی ہوئی چپل پہن کر گھومتا ہوں, اسی میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں. لیکن کیونکہ پیشہ یہی ہے کہ آپ پریزنٹیبل آئیں تو مجبوراً کپڑے پہن لیتا ہوں, لیکن ایسا زیادہ شوق نہیں ہے. کسی دوسرے سے ملاقات ہو تو کیا کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح کا, کس سوچ کا, کس انداز کا, کس رویے کا مالک ہوگا؟ بولنے کے لہجے سے. بولنے کے لہجے سے. اور لباس میں کس چیز کو خاص طور پہ آپ آبزرو کرتے ہیں, عورتوں میں یا مردوں میں؟ عورتوں میں. نیلز. اچھا نیلز میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ مینیکیور اچھے ہوں, صاف ہوں, پالش لگا ہو. اچھا تو آپ مطلب ہے کہ کریٹیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں؟ خوبصورتی تو سکن ڈیپ ہے نا, انسان کی فطرت اگر دیکھنی ہوتی ہے تو پھر باقی چیز بھی انسان نوٹس کرے. بالکل صحیح, بہت امپورٹنٹ. آپ کا جو وکیپیڈیا پہ ڈیٹیلز لکھی ہیں وہ سب صحیح ہیں, کیونکہ اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ آپ کی جنید جمشید صاحب کے کوئی کزن ہیں, آپ کو پھپھو کے بیٹے. پھپھو کے بیٹے.
So how important was he in your inspiration of coming to media? Wo kitne aham the? Not at all. I think Junaid bhai and I lived in different countries. Wo Pakistan mein hua karte the. Wo ek pop singer the. Main India mein rehta tha. I studied acting. I started work as an actor. So we were poles apart. Wo jab Bombay aate the, music companies, Z Music, vagaira vagaira se milne, to hamare saath rehte the. Lekin phir bhi acting ki kabhi discussion hi nahi hui. Kyunki wo actor to the nahi. So as a khandan mein ek star hona ek hamesha se ek wo hota to hai na, baaki bhi logon ke liye bhi thoda sa ki acha we have a star in family. I don't think us kisam ki stardom thi ya India mein hame us kisam ki stardom ki waqfiyat unki thi. Acha ye second part mein hale zyada sahi hoga. Haan, kyunki Pakistan mein there is a big star. No, mashallah, he still is a big star. Lekin mera kehne ka jo matlab hai wo Hindustan mein hame unki stardom ka itna shayad pata nahi chala. Ek to unka bhi career ka aagaaz tha aur wo ek rock singer ki taraf nikal gaye the. Vital Signs ki music se waqfiyat thi, lekin as a band Ali Azmat se waqfiyat nahi thi, shayad Junoon se waqfiyat thi. Theek hai, to wo main kehne ki koshish kar raha hu. To Junaid bhai bhi on a personal level to main star manta tha, because he was someone I looked up to. But as someone from the business, he wasn't that type of inspiration. Aapko nahi laga? Theek hai. Acha, kyunki wo aapne shuru mein zikr kiya tha na ki aapko sportsmen aur musicians jo hain wo aapko star stuck karte hain, so I thought ki maybe wo he was the kind of person jo insani itna different hai, jo log unse mile na to they absolutely fall in love with him. Absolutely. Wo hi main keh raha na, as a relative, as someone I knew personally, bahut respect, bahut ehtram aur bahut pyar aur mohabbat thi. Lekin not as someone necessarily from the business. Okay, ye hota hai. Wo ek starstruck cheez nahi thi. Theek hai. Acha, worst criticism jo ab tak aapne face kiya, aur us criticism ko address kaise karenge? Worst criticism mere dost Kabir Bhatia ne mujhe di thi bachpan mein hi. Main theater bahut karta tha aur dost aate the play support karne, to aake usne kaha ki yaar tu bahut zyada overact kar raha tha. मुझे लगा कि हमें सिखाया इस तरह. मैंने पहले कहा था ना कि थिएटर करना पसंद इसीलिए आता है क्योंकि आप रिहर्स करके ऑडियंसेस के सामने जाते हैं. तो वो एक रिहर्स पीस था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जब आप और ज़्यादा मजीद काम करते रहते हैं और मैच्योरिटी आती है और कॉन्फिडेंस आता है एज एन एक्टर, फिर आपको हैरत और शर्मिंदगी होती है कि वाकई में कितना ओवर कर रहा था और अगर इसी को थोड़ा सा कम कर दे तो ज़्यादा कन्विंसिंग होता. तो वो क्रिटिसिज्म मैं कहूँगा कि हार्श तो थी लेकिन बहुत नेसेसरी थी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहूँगा, क्योंकि उससे काफ़ी सीखने को मिला और जब भी कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो बात फौरन जहन में आ जाती है. मैं जनरल आपके फैंस की, आपके व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई हो या मीडिया की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, समबडी एनीबडी जिसने आपको कोई ब्लंट डायरेक्ट ऐसी बात हिट की, आपको लगे यार ये क्या, और आपने उसका एड्रेस अभी करना चाहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं. तनकीद होती है सोशल मीडिया के रोल से बखूबी मुतमईन? वैसे सोशल मीडिया से मुतमईन आप लोग? मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहता हूँ. दूर रहता हूँ, अच्छा करते हैं. मतलब फेसबुक ज्यादा देखता नहीं हूँ और इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ठीक है. आप आर यू सेल्फी पर्सन, इंस्टाग्राम गर्ल? बहुत ज्यादा नहीं. हाँ, बहुत हूँ, एक्टिव हूँ बहुत, बट बहुत ज्यादा नहीं कि हर टाइम एक ही काम. मेरा जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, वही बात. अब वो मैं जैसे यूट्यूब पे अपनी एपिसोड देखती हूँ, नीचे कमेंट देखती हूँ, ये क्या है, ये वो, एक एक चीज़ को नोट. कभी गालियाँ भी पड़ी हैं उसने? बहुत. अब इतना डिसहर्ट हो गया, मैं कहा यार लोग तो मतलब इतने, और पर्सनल लेवल पर जाते हैं. हाँ. मैं कहा यार लोग तो इतने पर्सनल हो जाते हैं. फिर उसके बाद खैर अल्लाह का शुक्र है कि सारे कैरेक्टर्स ही पॉजिटिव मिले, और जब पॉजिटिव मैंने किए तो वही लोग नीचे मतलब सहमती, यार उसे क्यों मार दिया, उसके साथ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट? फर्स्ट किया किसी ने आपको, जैसे उन्होंने बताया ना कि एयरपोर्ट पे कैसा सीन हो गया, किसी ने कभी आपको कोई तनकीद कर दी हो या कोई ऐसी ब्लंट बात कर दी हो, तो फिर क्या करती हूँ? मैं चुप रहती हूँ, मैं आगे से मतलब रिएक्ट नहीं करती. अगर कोई मतलब तारीफ कर दे तो थैंक यू, और अगर क्रिटिसाइज करे तो मैं खुद भी जब भी अपने एपिसोड देखती हूँ मैं उनकी बातें भी नीचे से पढ़ती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा यार वाकई ये चीज़ थी या नहीं. अगर तो वो चीज़ वाकई थी तो फिर मैं ट्राई करती हूँ. ऑब्वियसली
इस फील्ड में क्या हम किसी भी फील्ड में हो, डे बाय डे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. तो मजबूत लड़की हो. हाँ, अब हो गई, हो गई, एक डेढ़ साल में ही हो गई. बहुत कुछ सीखा है इस. अच्छा, एक डेढ़ साल. बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखी है. जब आप अकेले रहते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, और खासतौर पर कोई ऐसा प्रोफेशन जिसके आपको सपोर्ट तो हो बट फिर भी खिलाफ हो गया. छोड़ो, तुम क्या करिए, इतना दूर रहती हो, आ जाओ हमारे पास. कहीं बाहर जाना है यार, हम बाहर जा रहे हैं, तुम्हें मिस करें, तुम आ ही जाओ, क्या तुम कर रही हो. तो फिर आपको होता नहीं यार, अब मैं आई हूँ तो मैंने खुद को प्रूव करना. ठीक है, तो इससे आपके अंदर आपको लगता है कि एक वो आती है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है अली. बिल्कुल, आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए. कभी रोए हैं जिंदगी में? बहुत रोता हूँ, हर फिल्म में रोता हूँ. फिल्म में नहीं, मैं ज़ाती ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, इन पर्सन. अल्लाह का शुक्र है, मैं दुआ यही करता हूँ कि किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के. तो मुहर्रम में रोता हूँ, आशुरे में फूट फूट के रोता हूँ, लेकिन वैसे कोशिश करता हूँ कि काम रहूँ. और आई थिंक अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जिसमें एक पार्टनर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसी स्केल को बैलेंस करने के लिए दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा काम रहना चाहिए, ताकि बच्चों को दोनों तरफ की परवरिश मिले. बिल्कुल. और इंसान का सख्त सही इम्तिहान तो तब लिया जाता है जब कोई क्राइसिस हो या जब कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें आप जितना काम रहे उतना बेहतर. बिल्कुल सही. वंडरफुल टू हैव यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. इतना शानदार मजेदार कीमा सुबह सुबह बना के खिलाने के लिए मुद्दतों याद रहेगा. अच्छा, थ्रू आउट उन्हीं की तारीफ हो रही है, भाई कीमा अच्छा बनाया है, तुम्हारा चिकन अच्छा. ये गलत बात है यार, बहुत चिकन अच्छा था मगर कीमा पावर, मतलब ये तो गलत बात है. चिकन अच्छा था मगर कीमा बहुत अच्छा था, तुमने भी चखा भाई हमारा की चिकन के लिए तालियां. बहन खुश हो गई, मुतमईन हो गई. अच्छा वैसे भी हमारा, मैं बताऊं, हम शो में अक्सर कुकिंग करवाते हैं, और इवन जो मेल हमारे स्टार्स आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इन आर ओन वे हम अपनी सोशल टैबू को तोड़ना चाहते हैं कि यार मर्द भी किचन में भी जा सकता है, ये लाइफ स्किल्स हैं, उसे कुकिंग भी करनी है. और हमारे खुशी खुशी जाना चाहिए, खुशी जाना चाहिए. और हमारे मौसम में जो है ना, लड़के तो ये करते ही नहीं है. सो ए प्लस एंड एक नई सुबह में हम इस टैबू को चैलेंज करते हैं इन आर ओन वे बाय ब्रिंगिंग टैलेंटेड गाइज लाइक यू. तो इसलिए मैं हमेशा उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, लड़कियां तो ये काम करती ही हैं. मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ उस काम पे जो को आप कर रही हैं, बीइंग अ स्ट्रांग वुमन, जो आप एक करियर ओरिएंटेड हैं. सो गुड लक टू यू, वंडरफुल टू हैव यू. इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात होगी. सेम गोज फॉर यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू जी. और आपसे लेंगे हम इजाजत इस दुआ के साथ, हर सब खुशगवार हो, हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो. अल्लाह वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है. रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह.